दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आपके सामने शेयर किया था वेस्ट मैनेजमेंट पे। अब आज जो वीडियो है उसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और अगर आपका एक बार ये आइडिया क्लिक हो गया तो यकीन मानिए आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत से। तो बिना देर के आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट से कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कौन से ऐसे वो टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वेस्ट मैनेजमेंट से पैसा कमाने के लिए, और कैसे आप इसका स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं बिजनेस को लेकर। तो वेस्ट मैनेजमेंट ए टू जेड, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। अब जब सरकार सब्सिडी द्वारा मदद कर रही है और बड़े बड़े संयंत्र बना रही है ताकि कचरे का प्रबंधन या उसकी रिसाइकलिंग कर सके, तो इस वेस्ट मैनेजमेंट से आप भी पैसे कमा सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ। औद्योगिक अपशिष्ट। लंबे समय से आमजन इस बात से खफा रहा है कि सरकार कारखानों और उद्योगों से निकल रहे कचरे को नदी और समुद्रों में फेंकने से नहीं रोक रही, जिसे पीने का पानी दूषित होता है, उदाहरण प्लास्टिक, कांच आदि। वाणिज्यिक अपशिष्ट। वाणिज्यिक कचरे का उत्पादन ज्यादातर स्कूलों, कॉलेज, दुकानों और कार्यालयों में उपयोग होने वाली वस्तुओं से होता है, उदाहरण प्लास्टिक, कागज, पन्नी आदि। घरेलू अपशिष्ट। घर में खाना बनाने और सफाई और घरेलू गतिविधियों के दौरान एकत्र हुए कचरे को घरेलू कचरा माना जाता है, उदाहरण पत्ते, सब्जी के छिलके, मलमूत्र आदि। कृषि अपशिष्ट। कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हुए कचरे को कृषि अपशिष्ट के रूप में जानते हैं, उदाहरण मवेशी अपशिष्ट, खरपतवार, भूसी, पराली आदि। अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट, कृषि में निकलने वाले गोबर, बगीचे के अपशिष्ट, खाद्य, इन्हें बायोडिग्रेडेबल कचरे में आते हैं जिनसे खाद बनाई जाती है, ये स्वयं विघटित हो जाते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, ये स्वयं विघटित नहीं होते इसलिए ये ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें मुख्यतः कांच के टुकड़े, अखबार हैं जिनका पुनर्वीनीकरण कर वापस में उपयोग में लाया जाता है। कंपनियों के लिए अपशिष्ट रिसाइकलिंग एक अच्छा अवसर है, रिसाइकल कंपनी चालू करके कचरे के नवीन चक्र से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि जहां मानव गतिविधि होगी वहां कचरा होगा ही जिसे रिसाइकल कर सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग ऊर्जा बनाने में भी किया जाता है। आइए जानें एक रिसाइकल उद्योग से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर खुद का कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो पहले अपने बजट के बारे में विचार करें। बजट ज्यादा हो रहा है तो पहले से ही स्थापित कंपनियों से संपर्क कर उन्हें कचरा बेच सकते हैं। अपने व्यवसाय को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे पहले उचित स्थान ढूंढें जहां कचरे की आपूर्ति आसानी से हो। अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और कूड़ा बीनने वालों से संपर्क करें। इसके लिए आवश्यक लाइसेंस लें जिनसे ऑपरेटिंग परमिट, निरीक्षण, सुरक्षा मानकों का अनुपालन और पर्यावरण लाइसेंस शामिल हों। जिसके कचरे का प्रबंधन करना चाहते हैं या रिसाइकलिंग के लिए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके प्रबंधन योजना के लिए नगर पालिका से भी संपर्क कर सकते हैं। अपशिष्ट निपटान के लिए परिवहन आवश्यकता होती है, इसके लिए सेकेंड हैंड गाड़ी में माल ढुलाई के लिए, ये भार उठाने वाले अपशिष्ट उठाने से संबंधित है। इसके लिए उपयुक्त कपड़े लें जो आपको हानिकारक वातावरण से बचा सकें, क्योंकि आपको कुछ गैर अनुकूल स्थान जैसे बागानों, तहखानों और अपशिष्ट यार्डों में काम करना होगा। साथ ही दस्ताने और मास्क चाहिए होगा। रेक, फावड़ा भी लें ताकि रेत, बजरी, पत्ते, गंदगी से काम का मटेरियल निकलने के लिए उपयोगी हो। अपने व्यवसाय के लिए बीमा जरूर कराएं, क्योंकि दुर्घटना कब हो जाए इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बीमा में अपशिष्ट परिवहन वाहन, उपकरण और किसी भी काम से संबंधित चोटों को कवर किया जाता है। इन कचरा प्रबंधन में आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बर्बाद खाना। अक्सर लोग खाना बचने पर उसे फेंक देते हैं, कभी कभी खाना खराब हो जाता है इसलिए भी लोग इसे फेंक देते हैं, और बगीचे के गीले अवयव मिल जाएं। इससे खाद बनाना आसान होता है और इसमें ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना होता। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि सरकार और किसान दोनों ही जैविक खेती पर फोकस कर रहे हैं। इस्तेमाल टायर। जिस तरह से गाड़ियों ने विश्वव्यापी मार्केट में खुद को स्थापित किया है, उसके कारण भी साल में वैश्विक कचरा 13 मिलियन टन से अधिक होता है। ज्यादातर टायर अवैध रूप से जलाए जाते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। इसका रिसाइकल कर रबर और कार्बन को पृथक करके इससे भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि रबर और कार्बन का मार्केट बहुत अच्छा है। स्क्रैप मेटल। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में सबसे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि इसका रिसाइकल करना आसान होता है, साथ ही ये मूल्यवान भी है। इसके अलावा अन्य धातु को भी रिसाइकल किया जा सकता है जिसमें स्टील, तांबा, कच्चा लोहा, पीतल, कांस्य, टिन शामिल है। कागज और कार्डबोर्ड। कागज और कार्डबोर्ड बहुत ही मूल्यवान पुनर्वीनीकरण अपशिष्ट है,
इसे आप रिसाइकल कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाजार ऑनलाइन होने से कार्डबोर्ड की मांग बढ़ी है प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए, साथ ही पेपर कई समय से मार्केट में रिसाइकल हो रहा है। प्लास्टिक पैक्ड आइटम और प्लास्टिक की बोतल या बैग का संचय धरती को प्रभावित कर रहा है, यह आसानी से विघटित नहीं होता, इसलिए इसका रिसाइकल भी एक मुनाफे वाला बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। टेक्नोलॉजी के दौर में सभी के पास मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य सामान हर घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इन्हें वापस से कंपनियों को दे सकते हैं जो इनका रिसाइकल कर दोबारा उपयोग में ला सकती है, या इसको गला के इसके स्क्रैप मेटल का उपयोग कर सकती है। अवशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण जरूरी है रिसाइकलिंग प्रक्रिया से, इसे नए उत्पादों में संसाधित करने में मदद होती है। साथ ही ये वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है, साथ ही ऊर्जा की भी कम खपत होती है। ये व्यवसाय आपके लिए लाभदायक और वातावरण के लिए भी लाभदायक है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।